खुद अपने आप में देखो कि कल जब आप दौड़ रहे थे और आज जो दौड़ रहे हो, दोनों में डिफरेंस है। अपने आप को इम्प्रूव करने हैं। जो लोग सामने रहते हैं, कुछ लोगों की स्पीड बहुत ज्यादा रहती है, तो पीछे वाले जब पीछे होते जाते हैं ना, तो पहले एक पैर मतलब एक कदम की दूरी रहती है, वही दो कदम तीन कदम, फिर दूरी बहुत बढ़ती जाती है। हमारा जो प्लेटफॉर्म रहता है वो बहुत आगे निकल जाता है, होता है ऐसा? तो उसको देख के घबराना नहीं है, अपने आप से कॉम्पिटिशन करना कि आप जो फर्स्ट जितना दौड़ रहे थे आप उससे ज्यादा दौड़ रहे हो या उससे कम दौड़ रहे हो। ठीक है, कभी दूसरे से तुलना मत करना, क्योंकि आपको एक सीट लेनी है, दूसरे वाला अपना सीट लेगा, लेकिन आपकी जो सीट है वो आप तभी लोगे जब आप अपने आप में कवर करवाओगे, इम्प्रूवमेंट लाओगे। कुछ लोग हो सकता है फर्स्ट सेकंड डे हो, इसीलिए स्पोर्ट्स शूज नहीं पहने हो, बट प्रिकॉशन के तौर पे स्पोर्ट्स शूज सब लोग पहन ही लेना। कुछ लोग खाली पैर में दौड़ रहे थे, बट ये गलती मत करना, क्योंकि एक कोई इंजरी आपके आगे के कई दिन आपके खराब कर सकती है। तो आज भी मैं दौड़ लूं बिना जूते के, आज चप्पल में दौड़ लेता हूँ, कल जूता देख लूंगा, ये सब बहाने मत करना। ठीक है, जब इतना दौड़े हो, इतना मेहनत कर रहे हो, तो जूते के लिए अरेंजमेंट कर लेना। अगर किसी को दिक्कत होगा, शूज वगैरह नहीं हो पा रहे, किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैडम को बताना, मैडम के थ्रू आप लोग को सारी चीजें, सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। ठीक है, बुक्स वगैरह भी पढ़ना पड़ रहा होगा, सबके पास है? जिसके पास नहीं होगा आप लोग बता सकते हो। आप लोग कोई क्लास वगैरह ज्वाइन किया? नो मैम। थैंक यू मैम, बहुत पैर दुखता था, आप लोग का नहीं दुखता? सरसों तेल लगाते हो? गर्म पानी में पैर रखते हो? गर्म पानी में नमक डाल के पैर रख लेना, नमक नहीं डालोगे तो भी गर्म पानी में रखना अच्छा लगता है, सरसों तेल की मालिश